हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज का जो हमारा क्लास है वो होगा झारखंड में जनजातीय विद्रोह का। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह का इससे पहले भी हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें से हमने ढाल विद्रोह के बारे में, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि पहाड़िया विद्रोह जो है ये कब किया गया था, कहाँ किया गया था, किस जनजाति के द्वारा किया गया था और ये कितने चरण में घटित हुए हैं और अलग अलग चरण में इनके कौन नेता थे, क्या कारण था, इन सभी के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में, ताकि आप लोग पूरे विद्रोह के बारे में अच्छे से जान पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहाड़िया विद्रोह जो है वो कब हुआ था, ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या था। तो पहाड़िया विद्रोह का ड्यूरेशन था 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी तक, ठीक है, 10 साल तक। 10 साल में इसके अलग अलग चरण रहे, ठीक है, लगातार नहीं चला था, बीच बीच में ये विद्रोह होता था। तो फिर पहाड़िया विद्रोह जो है ये कहाँ पे हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना के क्षेत्र में होता है, ठीक है, किस क्षेत्र में होता है, तो संथाल परगना के क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह किया जाता है। तो ये पहाड़िया विद्रोह अगर हुआ है तो ये किसी विशेष जनजाति के द्वारा किया गया होगा, ठीक है। तो किस जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, तो ये पहाड़िया जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे विद्रोह ऐसे हैं जिनके विद्रोह का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था, परंतु कुछ ऐसा भी है जिसका नाम से आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ तो क्लियर है कि पहाड़िया विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक है। पहाड़िया जनजाति जो है इनकी कुल 3 उपजातियाँ होती है, कौन कौन सी, तो एक होता है माल पहाड़िया, एक होता है सौर्य पहाड़िया और एक होता है कुमारभाग पहाड़िया। तो झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र में, राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ के क्षेत्र में कौन सी, इनमें से कौन सी उपजाति जो है वो रहती थी। तो फिर सौर्य पहाड़िया उपजाति जो है पहाड़िया जनजाति की, वो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ के क्षेत्र में निवास करती थी, ठीक है। तो फिर यहाँ तक हमारा टोटल क्लियर है कि पहाड़िया विद्रोह कब किया गया था, तो 1772 से 1782 ईस्वी तक किया गया था। ये विद्रोह कहाँ पे किया गया था, तो संथाल परगना के क्षेत्र में किया गया था। किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो फिर पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया था। इसकी कुल कितनी उपजातियाँ हैं पहाड़िया जनजाति की, तो कुल 3 उपजातियाँ हैं, माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया। और ये जो सौर्य पहाड़िया है ये किस क्षेत्र में निवास करती है, तो ये राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ के क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पहाड़िया विद्रोह जो है ये कुल कितने चरण में घटित हुआ है। देखिए बहुत सारे विद्रोह ऐसे हैं जो एक चरण में हुआ है, बहुत है कि 2 चरण में हुआ है, बहुत 4 और बहुत 6 चरण में, बहुत नहीं, कुल शायद एक ही विद्रोह है जो 6 चरण में हुआ है, ठीक है। तो फिर ये विद्रोह कुल 4 चरण में घटित होता है पहाड़िया विद्रोह। तो हम लोग जानेंगे आगे कि ये जो 4 चरण चले थे वो कब कब के थे और उस अलग अलग ड्यूरेशन में कौन कौन नेता था और उसका कारण क्या था, ठीक है। अलग अलग समय में अलग अलग नेता था और अलग अलग कारण था, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम चरण का, ठीक है, ये जो है ये पहला चरण है, ठीक है, और ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो इन चारों चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण के बारे में पढ़ते हैं, ये कब हुआ था, इसके नेता कौन थे, इसके कारण कौन थे, देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो प्रथम चरण है पहाड़िया विद्रोह का, ये 1772 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1772 में होता है। इसके नेता कौन होते हैं, तो इसके नेता होते हैं रमना आहड़ी। नेता कौन होते हैं, रमना आहड़ी नेता होते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, तो मनसबदारों द्वारा पहाड़िया सरदारों की विश्वासघाती हत्या। देखिए पहले यहाँ पे पहाड़िया जनजाति और यहाँ के जो मनसबदार थे उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, और पहाड़िया जनजाति जो थी वो मनसबदारों के अधीन ही रहा करती थी इस क्षेत्र में। परंतु कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मनसबदारों ने, यहाँ के जो मनसबदार थे उन्होंने विश्वासघाती रूप से इनके जो पहाड़िया सरदार थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। इसीलिए रमना आहड़ी ने और ये जो पहाड़िया जनजाति हैं इन्होंने मिल करके ये विद्रोह किया, ठीक है, पर नेता कौन थे, रमना आहड़ी थे, ठीक है।
तो प्रथम चरण का हम लोग देख लिए 1772 में हुआ था, नेता रमनाहड़ी कारण मनसबदारा द्वारा पहाड़िया सरदारों की विश्वासघाती हत्या, क्लियर है। चलिए अब हम लोग सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड चरण जो था, दूसरा चरण जो था वो कब हुआ था, नेता कौन था और उसका कारण क्या था। तो दूसरा चरण जो है इस विद्रोह का, पहाड़िया विद्रोह का, वो होता है 1778 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इसके नेता कौन होते हैं, तो इसके नेता होते हैं जगन्नाथ देव। कौन नेता होते हैं, जगन्नाथ देव नेता होते हैं दूसरे चरण के, ठीक है, जो कि 1778 ईस्वी में होता है। और कारण क्या होता है इसके पीछे, तो क्लीवलैंड नामक एक अधिकारी था, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, इन्होंने क्या किया था, क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति को प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार। देखिए क्लीवलैंड ने क्या किया था कि पहाड़िया जनजाति जो थी उनको नकदी भत्ता दे रहे थे, नकदी भत्ता प्रदान कर रहे थे, ठीक है, जिसको जगन्नाथ देव ने या फिर पहाड़िया कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये साजिश है उनकी, हमें फूट डालने की, ठीक है, क्लीवलैंड जो ये हमें नकदी भत्ता दे रहे हैं ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है, अभी तो हमें लग रहा है कि ये हमारे अच्छे के लिए है, हमें नकदी भत्ता मिल रहा है, परंतु ये एक साजिश है उनकी हमें फूट डालने की, ठीक है। तो फिर इसीलिए इसको साजिश करार देते हुए इन्होंने विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ये 1778 में जगन्नाथ देव जो होते हैं वो नेता होते हैं इस विद्रोह के। कारण क्या था, तो यही क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति को प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार, ठीक है, मतलब क्लीवलैंड द्वारा जो नकदी भत्ता दिया जाता था उसको इन्होंने साजिश समझा। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा चरण, तो तीसरा चरण जो होता है वो 1779 में होता है, परंतु इनका कोई भी नेता या कारण हमें पढ़ने को नहीं मिला है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे चौथा चरण, तो चौथा चरण कब से कब तक होता है, देखिए यहाँ तक तो 1772 में सिर्फ हुआ था, ये 1778 में हुआ था, ये 1779 में, परंतु यहाँ पे हमें ड्यूरेशन देखने को मिलता है कि ये 1781 से लेकर के 82 तक चलता है, ठीक है। तो फिर ये 1781 से 82 तक चलता है चौथा चरण, और ये इस चरण के नेता कौन थे, तो इसके नेता थे ठीक है, रानी सर्वेश्वरी, ये माहेशपुर की रानी थी, यहाँ पे लिख देते हैं माहेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, महेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी, इन्होंने ये विद्रोह का नेतृत्व किया था चौथे चरण का, ठीक है। और इसका कारण क्या था, तो दामिन ए को, आपने पढ़ा होगा सुना होगा दामिन ए को, तो दामिनी को के अंदर क्या होता था, तो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया था कि पहाड़िया जनजाति की जो ज़मीनें थी उसको दामिनी को घोषित कर दिया था। दामिनी को घोषित करना मतलब उस जमीन को सरकारी घोषित कर देना, ठीक है, दामिन ए को के तहत उन्होंने इनकी ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया था, ठीक है, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था, इसीलिए दामिनी को के विरोध के लिए रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों का, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1790 से 1810 ईस्वी तक, 1790 से लेकर के 1810 ईस्वी तक अंग्रेज़ों द्वारा संथालों को इस क्षेत्र में आश्रय दिया गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने पहले 1790 से 1810 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने संथालों को इस क्षेत्र में आश्रय दिया, ठीक है। 1790 से 1810 ईस्वी तक संथालों को यहाँ पे आश्रय देते हैं, कौन देते हैं, तो अंग्रेज़ देते हैं, ठीक है। फिर बाद में 1824 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए को, किसके तहत, तो दामिन ए को नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। तो यही बात हम आपको यहाँ पे भी बताएं कि दामिनी को घोषित करने के कारण रानी सर्वेश्वरी ने विरोध किया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ दामिनी को इस क्षेत्र को घोषित करना चाह रहे थे 1781 से, ठीक है, परंतु उन्होंने 1824 में जा कर के सफलतापूर्वक इस क्षेत्र को फाइनली दामिनी को घोषित कर दिया और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति माना, ठीक है, दामिनी को के नाम पर उन्होंने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया इस क्षेत्र को। यहाँ तक हमारा टोटल क्लियर है, तो हम लोग क्या क्या देखिए एक बार देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह कब होता है, 1772 से 82 तक होता है। कहाँ होता है, तो संथाल परगना के क्षेत्र में होता है। किस जनजाति के द्वारा होता है, तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा होता है। उनकी कुल कितनी उपजातियाँ हैं, तो कुल 3 उपजातियाँ हैं, कौन कौन सी, तो माल पहाड़िया, शौर्या पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया। शौर्या पहाड़िया जो है ये राजमहल गौड्डा और पाकुड़ के क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। ये विद्रोह कुल 4 चरण में घटित होता है। 1772 में इसके रमना आहाड़ी जो हैं वो नेता होते हैं प्रथम चरण का,
कारण क्या होता है? तो मनसबदारों द्वारा पहाड़िया सरदार की हत्या, ठीक है। दूसरा क्या है, 1778 ईस्वी में होता है दूसरा चरण, जगन्नाथ देव इसके नेता होते हैं। कारण क्या होता है, तो क्लीवलैंड ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को नकदी भत्ता प्रदान कर रहे थे, परंतु पहाड़िया जनजाति के कुछ लोग थे जैसे कि जगन्नाथ देव, इनको लगा कि ये साजिश है, इसीलिए इन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया। फिर 1779 में होता है, परंतु इसका हमें ना नेता पढ़ने को मिला है ना कारण, ठीक है। चौथा चरण जो है वो 1781 से 82 तक चलता है और इसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी करती हैं, जो कि महेशपुर की रानी होती हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है दामिनी को, ठीक है, सरकारी संपत्ति घोषित करना। 1790 से लेकर के 1810 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने संथालों को इस क्षेत्र में आश्रय दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे संथालों को बसाया, आश्रय दिया। पर 1824 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए को नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, पहाड़िया विद्रोह, इसमें से हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा ये विद्रोह। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह के बारे में, वो थोड़ा लंबा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।